जय हिंद दोस्तों, एनजीसीएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम होल विजार्ड को यूज करना सीखेंगे। ये सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज का 27वां ट्यूटोरियल है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। आ जाते हैं अपने सॉलिड वर्क इंटरफेस पे और कोई सा भी एक प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए टॉप प्लेन, और यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, हमने सर ये सेलेक्ट किया, ओके, एक्सट्रूड कर लेते हैं अप टू 40 mm। चलिए, ये हमारा एक बॉक्स बन के रेडी है। अब हम इस पे होल विजार्ड को यूज करना सीखेंगे। ये आप फीचर में आके देखेंगे तो होल विजार्ड के नाम से एक टूल होगा, उसको यूज करना। इसमें देखते हैं क्या क्या है। होल विजार्ड है, एडवांस होल है, और ये थ्रेड है। तो इन दो इस वीडियो में हम होल विजार्ड एंड एडवांस को कवर करेंगे और एक थ्रेड के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि इसे अच्छे से समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए होल विजार्ड को यूज करना सीखते हैं। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे होल का टाइप दिया है, किस किस टाइप का होल यहाँ पे कर सकते हैं। तो और यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया है कि हमें ISO चाहिए, GB चाहिए, IC चाहिए, GIS, ये सब स्टैंडर्ड दिया है। तो हम ISO सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे साइज दिया है कि कौन से साइज चाहिए, M10 चाहिए, 12 चाहिए, 16 चाहिए, 20 चाहिए, जो भी चाहिए इस पे सेलेक्ट कर लेंगे। हम M12 सेलेक्ट करते हैं, ये फिट नॉर्मल रखेंगे। और यहाँ ये है ब्लाइंड, ब्लाइंडली हम कर सकते हैं, थ्रू ऑल होल कर सकते हैं, अप टू नेक्स्ट। ये सारे ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं कि किसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम ब्लाइंड कंडीशन रखते हैं, हमें 20 mm यहाँ से जो चेंज करना हो चेंज कर लेंगे। और ये सारे भी ऑप्शन हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले पहले इसको देखते हैं, ये काउंटर बोर, इस पर क्लिक करते हैं। और ये पोजीशन, इस पे क्लिक करने के बाद से हम पोजीशन में आएंगे, हमें किस पोजीशन पे चाहिए। ये हमें चाहिए इस पोजीशन पे, ये देखिए इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये देखिए, ये एक होल का पोजीशन दे दिए। अब चाहे तो और भी यहाँ पे होल क्रिएट कर सकते हैं। सेम मान लीजिए इसको एक और होल क्रिएट करना है, इस पे सिंपल क्लिक कर देंगे, तीसरा चाहिए और भी कर लेंगे, इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारा होल बन के यहाँ पे रेडी हो गया, जो होल का साइज हमने सेलेक्ट किया था वो बन के रेडी हो गया। अब दूसरा करके देख लेते हैं, होल विजार्ड में आते हैं और इस वाले को देखते हैं, इस वाले को, ये है टेपर टैप, इस पे क्लिक करते हैं। इसका भी जो ऑप्शन है ब्लाइंड है, इसको कर लेते हैं 15 कर लेते हैं। और इसका थ्रेड भी है, थ्रेड का जो चेंज करना उसको भी चेंज कर लेंगे। और ये अप टू नेक्स्ट हो गया है, तो इसको हम ब्लाइंडली देख लेते हैं, ब्लाइंडली है। और ये थ्रेड है, ये पोजीशन में जाते हैं, पोजीशन में जाके इस पोजीशन पे हमें चाहिए, इस पोजीशन में देखिए, ओके करेंगे, ये बन के रेडी हो गया। ऐसे ही और भी हैं, मान लीजिए कि इसको हम पूरे पूरे में चाहते हैं, तो अगर एक बनाए हैं तो उसके लिए हम लीनियर पैटर्न का यूज कर सकते हैं। और ये प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया है, अगर इसको हम इसको ना चाह के इसको हम लीनियर पैटर्न में देना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। और ये वाला प्रोफाइल हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों सेलेक्ट होगा क्योंकि हमने एक बार में दोनों क्रिएट किया है, तो ये दोनों एक साथ सेलेक्ट होगा। और ये डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में चाहिए, तो हमें ये टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन करेंगे तो ये इसके इस डायरेक्शन में होगा, राइट प्लेन करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा। तो चलिए राइट प्लेन कर लेते हैं। ये देखिए ये फीचर आ गया, यहाँ से स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, जैसे स्पेसिंग बढ़ाए तो ये देखिए ये अपने जगह पे है, इसको ओके कर देंगे, वो वहाँ वहाँ होल बन के रेडी हो गया। तो ये था इसका सिंपल यूज होल विजार्ड का। अब एडवांस देख लेते हैं कि एडवांस में क्या है। एडवांस में कुछ नहीं, वही सिंपल है, बस इसको सेलेक्ट करना है
ये कोई फेस है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हमें इसको सेलेक्ट करना है और पोजीशन में जाके यहाँ पे देना है होल, यहाँ पे दे देंगे, यहाँ भी देना, यहाँ पे भी दे देंगे और ओके कर देंगे। ये साइज हमने बहुत छोटा सेलेक्ट किया था इसलिए बहुत छोटे साइज में आया है, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।